रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अब्दी अली व हरियाणा के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी, अब 8 लेन होगा यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा J9। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद यमुना एक्सप्रेस वे 8 लेन का होगा। हवाई अड्डे की वजह से वाहनों का दबाव बढ़ने पर एक्सप्रेस वे का चौड़ीकरण किया जाएगा। फिलहाल यमुना एक्सप्रेस वे 6 लेन का है। ऐसा होने से न केवल यूपी बल्कि हरियाणा और दिल्ली के लोगों को भी बड़ा लाभ होगा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे पर साल दर साल वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच एक्सप्रेस वे प्रतिदिन 38 से 40 हजार वाहन गुजरते हैं। मथुरा से आगरा के बीच प्रतिदिन 28 से 30 हजार वाहन गुजरते हैं। जेवर हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू होने के बाद एक्सप्रेस वे पर वाहनों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होने का अनुमान है। प्राइस वाटर हाउस कूपर PwC की स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि जेवर हवाई अड्डा शुरू होने पर सालाना 50 लाख यात्री यहां से यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानक के अनुसार एक्सप्रेस वे पर प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या 60,000 से ऊपर जाने पर इसे 6 से 8 लेन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 2022-23 में एक्सप्रेस वे को 6 से 8 लेन किया जाएगा। एक्सप्रेस वे से नहीं जुड़ेगा आगरा उत्तरी बाईपास। यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेस वे से आगरा उत्तरी बाईपास को जोड़ने के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। NHAI ने खंडौली के पास बाईपास को लूप के जरिए यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। मंगलवार को इस मुद्दे पर यमुना प्राधिकरण व NHAI के अधिकारियों की बैठक हुई। प्राधिकरण ने तर्क दिया कि एक्सप्रेस वे को प्रतिदिन गुजरने वाले 1.5 लाख वाहनों की क्षमता के अनुसार डिजाइन किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र में शहर की बसावट, जेवर हवाई अड्डे का संचालन शुरू होने के बाद एक्सप्रेस वे पर वाहनों का दबाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। एक्सप्रेस वे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जोड़ने की भी योजना है, इसलिए आगरा उत्तरी बाईपास को एक्सप्रेस वे से जोड़ने की स्थिति में यह वाहनों का दबाव खुलने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। एक्सप्रेस वे पर जाम की विकराल स्थिति बन सकती है। प्राधिकरण ने बाईपास के लिए एक्सप्रेस वे पर फ्लाईओवर बनाने के लिए NHAI को JP इंफ्राटेक को प्रस्ताव देने को कहा है। यह भी सुझाव दिया है कि NHAI 165 किलोमीटर आगरा पर एक्सप्रेस वे से बाईपास को जोड़ सकता है। प्राधिकरण के तर्क पर NHAI ने भी सहमति जताई है। आगरा में बन रहा है बाईपास आगरा में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं जाम की समस्या के समाधान के लिए उत्तरी बाईपास का निर्माण हो रहा है। यह बाईपास NH2 पर रायपुर जाट गांव के समीप से शुरू होकर NH3 पर बाद गांव के समीप मिलेगा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2016 में इसका शिलान्यास किया था। आगरा उत्तरी बाईपास को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ने के NHAI के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह CEO यमुना प्राधिकरण के मुताबिक जेवर हवाई अड्डे एवं प्राधिकरण क्षेत्र में बसावट शुरू होने पर एक्सप्रेस वे पर वाहनों का दबाव काफी अधिक बढ़ जाएगा। एक्सप्रेस वे पर वाहनों के संचालन पर असर पड़ेगा।